हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम टू मिनट सीरीज में डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ आसाम Basically, ke protected areas, biosphere reserves, all of that which are important with respect to prelims this year, we will discuss. Right now, we all know that prelims is approaching fast, 38 days. So, we need to up the level of revision. सो आई हैव डिसाइडिड कि जितना भी टाइम रह गया है हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स लेंगे हर हफ्ते और उनके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी या जिन भी फैक्ट्स की वजह से वी न्यूज़ में रही है वो चीज़ वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेट ऑफ आसाम टुडे सो आसाम में अगर हम बात करें नैशनल पार्कस की तो सात नेशनल पार्कस हैं ये पाँच थे लेटेस्ट एड हुए हैं दिहिंग पटकाई एंड रायमोना ठीक है एंड दे फॉर्म 2.5 पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव वन परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ आसाम सो दिहिंग पटकाई एंड रायमोना वर योर वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज एंड दे हैव बीन अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ नेशनल पार्क राइट ओके सिक्सटीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन पॉइंट एट पर एट एट परसेंट ऑफ असाम एरिया नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए लेकिन नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए सो वी हैव दिब्रू साइकोवा और आंज नामेरी काजीरंगा मानस एंड दिंग पटकाई एंड रायमोना उसके बाद असाम में हमारे पास दो बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं आउट ऑफ एटीन दिब्रू साइकोवा एंड मानस एंड नान ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दी मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम देन वी ऑल्सो हैव टू नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डैट इज काजीरंगा एंड मानस एक राम रामसर साइट है नॉर्थ ईस्टर्न में टोटल तीन रामसर साइट्स हैं जिसमें से एक असाम में है डीपर वीर चार टाइगर रिजर्व्स हैं और नामेरी काजीरंगा एंड मानस पांच एलिफेंट रिजर्व्स हैं एंड फोर्टी ऑट इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ दैम इफ़ यू कैन ओबियसली यू विल एट एन एडेड एडवांटेज बट आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप हर एक स्टेट का इंपॉर्टेंट करने लगे इस तरह से सो so, अगर हम काजीरंगा और मानस की बात करें नेशनल पार्क्स तो वो है ही उसके अलावा दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं और दोनों नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं लेकिन बायोस्वे रिजर्व में सिर्फ मानस का ही नाम आता है काजीरंगा का नाम नहीं आता है राइट right? ओके okay. उसके बाद काजीरंगा की बात करते हैं डिटेल में नेशनल पार्क 1974 टाइगर रिजर्व सिंस 2007 ठीक है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय दी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ठीक है अब ये रिवर ब्रह्मापुत्रा के बैंक्स के ऊपर सिचुएटेड है यही कारण है कि हर साल फ्लडिंग हो जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क में उसकी वजह से जो एनिमल्स है कुछ तो खुद बच के हायर रीचेज पे चले जाते हैं और जो नहीं बच पाते दे डाई ठीक उसके बाद काजीरंगा में यू गेट एलिफेंट ग्रास यू गेट मार्श मार्शी एरिया स्वाम्प्स यू हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विच आर क्रिस क्रॉस्ड बाय फोर रिवर्स ठीक है अब ये चार रिवर्स कौन से हैं ब्रह्म ब्रह्मपुत्रा तो है दीफ्लू मोरा दीफ्लू एंड मोरा धनसरी उसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल वाटर बॉडीज भी बहुत हैं देन इट इज होम टू वॉट इज नोन एज बिग फाइव पांच मैमल्स बड़े बड़े यहाँ पे आपको मिलते हैं सबसे पहले वन हॉर्न राइनोसरिस सबने सुना होगा ठीक है और ग्रेटर वन हॉर्ड राइनोसरिस आई यू सी एन स्टेटस वनरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन ठीक है अब ये जो वन हॉर्न डायनासोरिस है ये इंडिया में अगर हम बात करें ना 2600 समथिंग है जिसमें से 2400 आपको मिलते हैं काजी रंगा में ठीक है मोर देन टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यू नो दिस वर्ल्ड्स वन हॉर्न डायनासोरिस इज फाउंड इन काजी रंगा. इंडिया में तो चलो है ही दुनिया में भी तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है ठीक है उसके अलावा इंडिया में वन हॉर्ड डायसर देखो असम में तो मिलता ही है काजीरंगा में तो मिलता ही है उसके अलावा वेस्ट बंगाल और यूपी में भी मिलता है राइट right. उसके बाद टाइगर्स और अगर मैं एलिफेंट की बात करूं, आई यू सी एन स्टेटस इन है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड पफलोस अगेन दी आई यू सी एन इन डेंजर्ड राइट उसके बाद स्वम्प डियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न स्वम्प डियर मिलता है ईस्टर्न स्वम्प डियर का आई यू सी एन स्टेटस या स्वॉम्प डियर का आई यू सी एन स्टेटस विच इज ऑल्सो नोन एज बारा सिंगा इज वरेबिल ठीक है वनडरेबिल है लेकिन जो ईस्टर्न है वो आपको मेजरली काजीरंगा में मिलता है कुछ बार दुधवा में भी मिलता है विच इज़ इन यूपी उसके बाद जो हमारे पास वेस्टर्न स्वम्प डियर है दैट इज़ फाउंड इन नेपाल एंड देन यू हैव सदरन विच इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दारा सिंघा इज दट इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ यू पी एंड एम पी ठीक है अच्छा देन सिक्सटी एट परसेंट ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न डायनाज इन काजीरंगा एंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड ऑफ ट्वेंटी इन इंडिया भी ट्वेंटी फोर हंड्रेड आपको काजिरंगा में मिलता है उसके बाद वन ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटीज ऑफ टाइगर्स इन दाइल्ड and almost entire population of eastern swamp deer like i said we have three uh, types of uh, three subspecies of swamp deer eastern western and southern eastern आपको यहां मिलता है कुछ आपको दुधवा यूपी में मिल जाएगा western नेपाल में मिलता है और बाकी जगह पे हमारे पास Southern मिलता है right okay so this is what uh, this is about kaziranga to yahan pe aapko kaziranga milta hai i hope it is clear देन मानस मानस इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस इज़ अ टाइगर रिजर्व माइनस मानस इज़ ऑल्सो बायोस्वेर रिजर्व जो हमारा काजीरंगा नहीं है लेकिन मानस भी मैप के अंडर नहीं आता उसके बाद एलिफेंट रिजर्व भी है ये एक इफ यू कैन रिमेम्बर ठीक है उसके बाद इट इज़ कॉन्टिगूस विद द रॉयल मानस नैशनल पार्क इन भूटान अगर आप इसको मैप में देखोगे इफ आई जस्ट शो यू द मैप ये रॉयल सॉरी uh, ये मानस है और इसके ऊपर रॉयल मानस है ठीक है तो एकदम कंटिग्यूअस है ये भूटान के साथ एकदम कंटिन्यूड है इनफैक्ट दोनों कंट्रीज मिलके टाइगर कॉन्जर्वेशन के लिए भी आ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाते हैं देन द नेम ऑफ द पार्क ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानस रिवर व्हिच इज़ नेम्ड आफ्टर अ गॉड गॉड इज मनसा देन मानस इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मापुत्रा रिवर विच थ्रू टू हार्ट ऑफ द नेशनल पार्क उसके बाद uh, जो मानस है इट स्प्लिट्स बेकी एंड भोलका डूबा ठीक है एंड मानस रिवर इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल बॉर्डर विच डिवाइड्स भूटान एंड इंडिया राइट सो दिस यू नीड टू नो सो मानस इज़ अ रिवर विच डिवाइड्स भूटान एंड इंडिया एंड दिस मानस यू नो मानस इज नेशनल पार्क इज कंटिग्यूअस विद द रॉयल मानस पार्क मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान तो दोनों सेम है और ब्रह्मापुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है मानस जो मान मानस से पास करती है देन यहाँ पे भी ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं जैसे असाम रूफिट टर्टल इट इज़ अ टर्टल इज स्मॉल टर्टल हिस्पेड हेयर गोल्डन लंगूर जिसको जीज गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है एंड पिगमी हॉक पिगमी हॉक भी आपने सुना होगा एक छोटा सा हमारे पास माउस रहता है ऑल ऑफ दीज आर इंडेंजर्ड इन स्टेटस एंड अगर हम आई यू सीए देखें तो इंडेंजर्ड है शेड्यूल वन है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है देन नेक्स्ट इज़ और अगर आप मानस लेकर सेंट मानस यहाँ पर एकदम कंटिग्युअस है रॉयल मानस के साथ भूटान में देन और द वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क इट इज़ अ टाइगर रिजर्व इट इज़ अ नेशनल पार्क मिनी क्यों कहा जाता है इसको क्योंकि दोनों काजीरंगा और की जो वेजिटेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है यू हैव मार्शल यू हैव स्ट्रीम्स यू हैव ग्रास लैंड्स एंड इट इज लोकेटेड एट द नॉर्न बैंक ऑफ ब्रह्म पुत्रा देन यू हैव इंडियन वन हॉन डायनासोरस पिगमी हॉक एलिफेंट्स वाइल्ड वाफ्लू एंड टाइगर्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू काजिरंगा देन इट हैज स्मॉलेस्ट कोर बट टाइगर्स की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है ये तराई आग लैंडस्केप का पार्ट है तेराई आर्क लैंडस्केप एक इम्पॉर्टेंट लैंडस्केप है ग्रासलैंड है यहाँ पर और गुड प्रे बेस है तो टाइगर्स की पॉपुलेशन को बहुत सपोर्ट करता है तो टाइगर्स के लिए जो तिराई लैंडस्केप है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पासिस टू इंडिया पासिस टू नेपाल ठीक है और काफी प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड आउट ऑफ विच वन इज और देन वी हैव नमेरी नमेरी इज अगेन अ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इट शेयर्स इट्स नदरन बाउंड्री जो भी उसकी नदरन बाउंड्री है वो पखुई के साथ शेयर करता है मतलब ये ईस्टर्न मोस्ट आसाम में होगा तभी ये पखुई अरुणाचल के साथ पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है उसके बाद यहाँ पे जो रिवर है दैट इज जिया भोरोली विच इज द लाइफ लाइन ऑफ नमेरी ठीक है विच सॉरी फ्लोज अलॉन्ग दिन बाउंड्री ऑफ द पार्क फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ठीक है तो इज रिवर कौन सा है नमेरी का उसके बाद आ, बोर्ड डिकोराई भी है वो भी जिया भरोली की ही ट्रिब्यूटरी है ठीक है सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द रिवर्स बिकॉज कभी कभी प्रिलिम्स में ना आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं और उसमें आपको रिवर के साथ ही मैच करना होता है ठीक है so सो नमेरी की अगर मैं बात करूँ सो so एकदम ही आपको यहाँ पे मिलता है पखुई के साथ इट शेयर्स इट्स बाउंड्री ठीक है सो यू हैव काजीरंगा देन यू हैव so नमेरी देन यू हैव मानस ठीक है और यहाँ पे रायमोना है तो uh, आप ये भी कर सकते हैं टेक अ प्रिंट आउट ऑफ आसाम का स्टेट फ्रॉम योर प्रिंटर ठीक है गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा उसके बाद प्लॉट दीज एटलीस्ट आइडिया हो जाए ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको क्वेश्चन आ जाए नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा देन वी हैव दिब्रू साइकोवा अ बायोस्वेर रिजर्व इट इज़ बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर लोहित रिवर एंड अरुणाचल हिल्स इन द नॉर्थ एंड दिब्रू रिवर दे बांग रिवर इंड दिब्रू एंड पटकाई हिल्स इन द साउथ इट इज़ दार्जेस्ट सैलिक्स स्वॉम्प फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो सेलेक्स है ना दे आर अ टाइप ऑफ ट्रीज जो स्वॉम्पी एरियाज में मिलते हैं विलो भी कहते हैं यहाँ भी बहुत मिलता है डिब्रू साइकोवागन अगर आप पढ़ोगे तो इट वॉज अ रेन फॉरेस्ट ने नाइनटीन फिफ्टीज़ में असाम अर्थ को एक आया था जिसकी वजह से फिर इट कन्वर्टेड इन टू द स्वॉाम्प फॉरेस्ट राइट right? और अभी भी आप पे आप, आपको यहाँ पे वेजिटेशन काफी ज्यादा मिल जाती है विथ सैलिक इट इज अ अम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया और यहाँ पे ना व्हाइट विंग्ड वुड डक्स डेंजर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिब्रू साइकोवा के लिए भी और दिहिंग पटकाई के लिए भी ठीक है so, सो दिस इज डिब्रूसाइकोवा एंड यहाँ पे दिहिंग पटकाई है ये आपको देखना पड़ेगा ठीक है देन दिहिंग पटकाई इज अ पार्ट ऑफ द दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व uh, जो कि पार्ट है कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर आसाम ठीक है अगर आप मैप में देखो ना तो यहाँ पे ये जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है ठीक है यहाँ पे uh, इसका पार्ट है ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑयल माइनिंग जहाँ पे होती थी उसका इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है दिहिंग इज़ द नेम ऑफ द रिवर जो फ्लो करता है एंड पटकाई इज़ द हिल एट द फुट ऑफ विच देंचुरी लाइज देन इट इज़ होम टू चाइनीज़ पेंगुलन देखो चाइनीज़ पेंगुलन जो है uh, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादा मिलती है और जब अब चाइनीज़ पैंगोलिन आप ये बोलोगे कि चाइना में मिलती है नहीं चाइनीज पैंगोलिन भी इंडिया में मिलती है इंडियन पैंगोलिन तो इट इज़ यू नो फाउंड थ्रू आउट द कंट्री चाइनीज थोड़ी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलती है चाइनीज का आई यू सी एन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडियन इंडियन का इंडेंजर्ड है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और दहेंगपटकाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट सेवन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स टाइगर लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड ऑल ऑफ दिस आर फाउंड सो सेवन स्पीशीज ऑफ कैट्स आर फाउंड इन दिस देहंग पटकाई ऑल ऑफ देम टुगेदर उसके बाद वाइट विंग इट वुड डाक भी यहाँ पे मिलती है एंड देयर इज़ ऑल्सो असाम का जो नेश स्टेट ट्री है होलोंग वो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिल जाता है देन लास्टली रायमोना रॉयमोना बॉडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में आपको इट इज़ विद इन दैट एंड इट इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाई संकोश रिवर एंड सरल भंगा रिवर ऑन द ईस्ट बोथ ऑफ देम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्म देन पेकुआ रिवर इज़ द वन विच इज़ इन द साधर्न पार्ट ठीक है और ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है इट इज़ आल्सो कंटिगूस विद भूटान की फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चिगमे सिंग सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क ऑफ भूटान तो ये भी भूटान के साथ आ, उसकी वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज के साथ इट इज़ कंटिगूस एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गोल्डन लंगूर विच इज़ ऑल्सो द मैस्कट ऑफ बोडोलैंड रिजन आई इन स्टेट इज इंडेंजर्ड है जीज गोल्डन लंगूर हमने मानस में भी डिस्कस किया था राइट right? सो so, देिंग पटका इलाइका साइड यहाँ पे है और तिनसुकिया में जहाँ पे ऑयल माइनिंग काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड इट इज इन दोडोलैंड पार्ट ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई होप क्लियर है हमने ये वाला जो लेक्चर uh, का पार्ट है लेसे इंडिविजुअल अगर मैं देखूँ काजी रंग का मानस तो बहुत जगह पर कवर किया हुआ है लेकिन आई हेव ट्राइड टू कंपाइल दैम इन टू वन लेक्चर होली एंड सोली फॉर द रिविजन पर्पजेज यू कैन एड इन योर ओन नोट्स अगर आपने कुछ और पढ़ा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा नूआंस uh, हैं खबरों की जो कि इन जगहों पे कवर होती हैं थ्रू आउट द ईयर बट आई हैव जस्ट कवर्ड द बेसिक एंड द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट विच यू शुड मिस एट एनी कॉस्ट फिर उसके बाद जो हमारी रिविजन चल रही है प्रलम्स की वीक फाइव है उसमें सो यू नीड टू यू नो कवर ऑल द करेंट अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज चाहे वो uh, जैसे आपको कई प्रोटोकॉल से लेके अभी तक ठीक है जितनी भी हमारी कॉप्स हो गई हैं सबके बारे में क्या क्या हुआ है और कॉप ट्वेंटी सिक्स में क्या होगा ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए वी हैव कवर दिस इन लेक्चर्स ऑल द रिपोर्ट्स शुड बी क्लियर टू यू जो आई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अगर आपने नहीं देखी तो वी हैव कवर दैट ऑल्सो इन आर टू मिनट सीरीज सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए देन इंडिया इंड क्लाइमेट चेंज एंड फाइनली ओजोन लेयर ओजोन लेयर में जैसे कि गाली अग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज मेड ऑल ऑफ दैट आल्सो शुड बी कवर्ड इंडिया का क्या स्टांस है ऑल ऑफ दैट राइट You should also attempt the test and in case you want our help, you can buy our courses. So अगर आप क्रैश कोर्स का सिर्फ करंट पोर्शन लेना चाहते हैं 2500 mein hai में है करंट और lena दोनों लेना चाहते हैं test series lena में टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं so, all of them at 2500 if you just want the हंड्रेड 10 jo ki bahut indispensable hai is जो कि बहुत इंडिस्पेंसेबल है इस टाइम पर वो ट्रिपल नाइन में आप खरीद सकते हैं अगर आप ये सब कुछ लेना चाहते हैं तो यू कैन गेट दट एट फिफ्टी फाइव हंड्रेड यू कैन कॉल एट दिस नंबर And we'll answer all your questions in case you have any. Right. So that was all today uh, regarding today's lecture. Any doubts? Please do mention them in the comments. Thank you so much.